हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आज के एक नए वीडियो में। आज के हम इस जावा फुल कोर्स की प्लेलिस्ट में देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट। एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, इसको अचीव कैसे करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, एग्जांपल विथ प्रोग्राम वगैरह सब देखने वाले हैं। वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। जावा फुल कोर्स प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से उसे देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो हम देख लेते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, फिर इसका एग्जांपल प्रोग्राम वगैरह सब देख लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज नथिंग बट द क्वालिटी ऑफ डीलिंग विथ आइडियाज रेदर देन इवेंट्स। इट्स बेसिकली डील्स विथ हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स थिंग टू द यूज़र। मतलब कि आपका एब्स्ट्रैक्शन मेथड उसे कहा जाता है जिसकी बॉडी नहीं होती है, जिस एब्स्ट्रैक्ट यानी जिस मेथड की बॉडी नहीं होती है उसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहा जाता है, और जिस क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो क्लास ही एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। चलिए इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है, एग्जांपल और प्रोग्राम वगैरह समझते हैं। प्रोग्राम को हमने यहाँ पर लिख लिया है, इसका देखिए हमने मेन क्लास जो बनाया वो एब्स्ट्रैक्शन के नाम से, ठीक। फिर इसके बाद हम एक और क्लास बनाते हैं जिस क्लास का नाम हमने रखा है स्टूडेंट, जो कि प्रीवियस वीडियोज में भी हम इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद इसको देखिएगा, ठीक है। तो क्लास हमने एक बनाया स्टूडेंट नाम का। अब एक स्टूडेंट नाम का क्लास है, इसमें हम एक मेथड बनाए हैं राइट, एक मेथड है राइट नाम का, जिसमें हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं राइट अ बुक, ठीक। फिर हम एक और मेथड लिख रहे हैं रीड, फिर उसमें एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं रीडिंग अ बुक, ठीक। फिर हमने दूसरा एक क्लास बनाया स्टूडेंट वन करके, जिसको हमने एक्सटेंड कर दिया स्टूडेंट को, यानी इसका कॉन्सेप्ट हमने पीछे पढ़ा चुका है लेकिन एक बार यहाँ पर रिवाइज कर देते हैं। एक्सटेंड स्टूडेंट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जो स्टूडेंट क्लास में जो भी मेथड वगैरह होंगे वो सारा कोड आ जाएगा हमारे स्टूडेंट वन के बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किया क्या है, सीधे उसी बॉडी को यानी उसमें जो मेथड है वो लिखे हमने वर्ड मेथड, यहाँ पर हम मैसेज चेंज कर दिए हैं राइट अ बुक, और यहाँ पर जावा लिख दिए हैं जिससे हम ओवरराइड मेथड कहते हैं, जो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है। एक दूसरा मेथड फिर है इसके बाद वर्ड रीड, जो यही वाला मेथड हमने लिया है उसको भी ओवरराइड करके हमने लिख दिया रीडिंग अ बुक जावा, यानी राइट अ बुक जावा, रीडिंग अ बुक जावा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम एक और क्लास बना लिए जिसमें हम एक्सटेंड कर रहे हैं मेन क्लास को, जो स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, उसी क्लास को हम एक्सटेंड करके यहाँ पर मैसेज में केवल थोड़ा सा चेंजेस कर दे रहे हैं। राइट अ बुक यहाँ पर जावा था, यहाँ पर DBMS कर दिया रीडिंग अ बुक द DBMS, सेम कॉस्ट एकदम सेम फिक्स वाली वैल्यूज सब हैं, केवल सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। इसका हमने ऑब्जेक्ट कैसे बनाया है, कैसे कॉल करने की कोशिश की है, समझ लेंगे इस एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पर समझ लेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। ये मेन क्लास है, इसके बाद हमने जो क्लास बनाया पहला क्लास स्टूडेंट नाम का, उसका हमने रेफरेंस ST1 बना दिया। उस ST1 मेथड से हम उसके मेथड को कॉल कर रहे हैं ST1.write, ठीक है, और रीड मेथड को, यानी जो पहला क्लास था स्टूडेंट नाम का उसको हमने कॉल कर लिया, ठीक। नहीं, जो सेकेंड वाला क्लास बनाए थे, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट वन जो सेकेंड वाला क्लास बनाए थे उसका रेफरेंस ST1 है, ये तो पेरेंट क्लास का नेम हम यहाँ पर ले सकते हैं, ले नहीं तो हम यही वाला क्लास यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट वन, तो भी चल जाएगा, तो ठीक है। इसके बाद हमने इसके मेथड को कॉल किया तो ST1 राइट मेथड और रीड मेथड आ गए। फिर तीसरे वाले मेथड क्लास को हमने कॉल किया स्टूडेंट टू को, जिसका रेफरेंस ST2 कराया, उसका पेरेंट क्लास है यहाँ पर, तो इसलिए इसको लिख दिए स्टूडेंट, उसको भी हम सेम उसी तरह मेथड से कॉल किए, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर आउटपुट देखा, जो दूसरा मेथड था, जो दूसरा क्लास था उसका मैसेज आ गया यहाँ पर राइट अ बुक जावा, राइट अ बुक जावा, यानी रीडिंग अ बुक जावा, राइट अ बुक जावा, और तीसरा वाला जो मेथड तीसरा वाला क्लास है उसका मैसेज आ गया राइट अ बुक DBMS और रीडिंग अ बुक DBMS, ठीक है।
तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, हमने जो क्लास बनाया है ये मेन क्लास, इसको हमने चेंज कर दिया, ठीक, इसको हमने चेंज करके ये लिख दिया। जब हम इसको चेंज कर दे रहे हैं तो इस मेथड इस क्लास का क्या मतलब है, यानी इसकी हम बॉडी को हटा दे रहे हैं। जब हम इसकी बॉडी को हटा देंगे तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लग जाता है, जो आगे एग्जांपल में हम देख रहे हैं, उसको यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। जब इसको हम हटा देंगे, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, जब इसको हम मैसेज को ओवरराइड कर दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, तो इसको हटा कर हम यहाँ पर लिख देंगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, जिससे कि जिस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यानी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लग जाएगा, ठीक। यदि किसी भी क्लास में एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो उसका क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब इसको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इसको भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको भी एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, इसको भी एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर 100% फुल हमने एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर लिया। यदि यहाँ पर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट रहता, दूसरा मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहता, तो यहाँ पर 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं कर पाते। चलिए हम इसके एग्जांपल को देखकर डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। फिर हम देखिए प्रीवियस वाले एग्जांपल को सेम लिखे हैं और सेम कोड को उसी तरह रहने दिए हैं, केवल हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, और जब मेथड इसका एक भी एब्स्ट्रैक्ट है तो उसका हमें क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट ही बनाना पड़ेगा, जिससे हम यहाँ पर 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर पा रहे हैं। हमने सेम कोड में कोई भी चेंजेस नहीं किया है, केवल यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया, वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास लगा दिया है, और सारा मैसेज प्रिंट उसी तरह कर रहे हैं, जिसका आउटपुट भी हमें सेम मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं इस तरह, ठीक है। और भी डाउट्स क्लियर ना हो तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई डाउट क्लियर ना हो तो कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।